हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर, आप सभी भावी शिक्षकों का अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, कि सीटेट दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन पर यहां पर बात करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी वीडियो को देख रहे होंगे या आपके जानने वाले भी होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने इसी सत्र में एडमिशन लिया होगा, चाहे वो डीएलएड में हो चाहे वो बीएड में हो, अभी एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसे भी स्टूडेंट्स इस बार सीटेट दिसंबर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने इस बार 2024 सत्र में बीएड या डीएलएड में एडमिशन यानी किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर वो इनरोल कर रहे हैं इस साल, तो बिल्कुल ये वाले नोटिफिकेशन के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। और अगर वो पास होते हैं तो बिल्कुल उनका सर्टिफिकेट वैल्यू होगा। 2022 के बाद में एनसीईटी ने ये बदलाव किया था कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार फॉर्म भरे हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, सीटेट का परीक्षा दे सकते हैं। और अगर आप में से बीएड डीएलएड ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अब इस बार दिसंबर 2024 के फॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप की जो डेट निकल के आ रही है सीबीएसई की तरफ से वो क्या होने वाली है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, पासिंग मार्क में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसकी टाइमिंग है डेली शाम 7 बजे। जी हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल बिना किसी पैसा दिए आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आप सीटेट एक दो बार दे चुके हो, फेल हो जा रहे हो, या फिर पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षा को पास करना चाहते हो, तो सिर्फ क्लास सफिशिएंट नहीं है, क्लास के साथ साथ अगर आप नोट्स वगैरह को फॉलो करोगे, नोट्स से तैयारी करोगे, तो आप इस बार परीक्षा को जरूर क्रैक कर लोगे। आप पहली बार सीटेट परीक्षा को देने जा रहे हो या इससे पहले एक दो बार आप दे चुके हो, ये हमें कॉमेंट में जरूर लिखकर बताना। तो सीटेट की क्लास हमारे चैनल पर डेली शाम 7 बजे चलती है। इसके साथ साथ सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे द्वारा बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार कर दिया गया, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है इस बार उस पर आधारित ये प्रश्न है। क्योंकि जो मार्केट में बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पुराने दिए हुए हैं, प्रीवियस पेपर भी पुराने, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने फायदा नहीं है। क्योंकि पहले जो होता था ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता था, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, तब एक महीने पेपर चलता था और तब पेपर का जो लेवल था वो ईजी रहता था। बट अब जो है ऑफलाइन पेपर होने लगा है और एक ही दिन में परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, तो इसलिए पेपर का जो टफनेस है वो बढ़ा दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तभी सफलता पाओगे। अगर आप पिछले पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो आप भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अब पेपर का लेवल बदल गया है। तो बिल्कुल नए लेवल, नया पैटर्न, नए लेवल के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किया गया है। और ये जो नोट्स है कोई वन लाइनर नोट्स नहीं है साथियों, इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में थ्योरी समझाया गया है। क्योंकि सीटेट परीक्षा का बच्चा थ्योरी अगर नहीं समझ पाता है, थ्योरी में खासकर पेडागॉजी का थ्योरी नहीं समझ पाए, तो आप सीटेट एक क्या दो क्या पांच अटेम्प्ट में भी पास नहीं कर पाओगे। और जो बच्चे एक दो अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहे उनका वीक पॉइंट मैं यही जानता हूं कि वो थ्योरी अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। थ्योरी अगर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल इसी बार में परीक्षा को क्रैक कर दोगे। और वो थ्योरी क्या उनके अंदर कमी नहीं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, गलत किताब को पढ़ रहे हैं, गलत थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो किताब पढ़ रहे हैं वो बहुत लेंदी, बहुत बड़ा थ्योरी दिया गया, बच्चों को समझ में नहीं आता है, समझ में भी आ जाता है तो ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाता है दिमाग में, यही सारी कमियां हैं। तो अगर आप नोट से तैयारी करोगे तो बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी और इस बार आप परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में ही पास करोगे। हमारे पास नोट्स पेपर वन का भी अवेलेबल है, पेपर टू का भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ पेपर टू में जिसका एसएसटी है उसको एसएसटी का भी नोट्स थ्योरी के साथ में मिल जाएगा, जिनका साइंस मैथ है उनका साइंस मैथ का भी हमारे पास बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएगा, विथ थ्योरी विथ सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगा। पेपर वन में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सभी लैंग्वेज के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की कीमत अभी मात्र 199 है, अभी की बात मतलब है कि जब तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं होता है तब तक इसकी कीमत 199 रुपीज रखा गया, सिर्फ 500 छात्रों के लिए, जिसमें से करीब करीब 400+ छात्रों ने नोट्स को परचेज कर लिया ऑलरेडी। तो अभी नोट्स ऑफर में चल रहा है, बाद में इसकी कीमत 249 रुपीज पर पेपर कर दिया जाएगा। अभी एक पेपर नोट्स की कीमत 199 रुपीज चल रहा है, दोनों पेपर अगर लेना चाहते हो तो 299 रुपीज में आपको दोनों पेपर का नोट्स अवेलेबल कर दिया जाएगा, विथ पेपर विथ सॉल्यूशन विथ थ्योरी सब कुछ आपको मिल जाएगा। नोट्स को खरीदने के लिए, नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट का पेपर वन का या पेपर टू का, एसएसटी का, साइंस मैथ का, जो भी नोट चाहिए, बस आप मैसेज करो कि सर मुझे सीटेट का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भैया, व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लेना। क्योंकि इस नोट्स को लेने के बाद में, इस नोट्स को देखने के बाद में आपको कोई अलग, कोई दूसरी बुक, कोई शॉर्ट पेपर, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई गाइड बुक कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, बस ये नोट्स और हमारी क्लासेस आपके लिए काफी है परीक्षा को पास करने के लिए। तो आज ही इस नंबर में मैसेज करें ताकि आप बहुत ही कम कीमत पर इस कंप्लीट सिलेबस के नोट्स को परचेज कर सकें। अब आते हैं दोस्तों, आपकी पूरी डिटेल आपको दूंगा,
हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका पूरा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिसंबर 2024 को लेकर जो भी आपको डाउट है सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, वन बाय वन करके सारी चीजें आपको लिख रखा है मैंने यहाँ पर। नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, फॉर्म फिलअप डेट क्या होने वाली है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, पासिंग मार्क क्या होने वाला है और निगेटिव मार्किंग इस बार होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर, बहुत ज्यादा संशय बना हुआ था। मैं सबसे पहले आप सभी को जो नए छात्र फ्रेशर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो सीटेट की परीक्षा है वो साल में दो बार कंडक्ट कराई जाती है, यानी हर छह माह पे इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। तो साल की शुरुआत में यानी कि एक फॉर्म आता है आपका स्टार्टिंग में जो जुलाई में जिसका एग्जाम होता है, जो पहला फॉर्म आता है साल का उसका परीक्षा जो होता है जुलाई में होता है, और इस बार इस साल 7 जुलाई को पहली परीक्षा हो गई है 2024 की, ठीक है। अब इसके बाद दिसंबर में यानी कि दो परीक्षाएं होती है, एक जुलाई में और एक आपका दिसंबर में होता है। सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम हो चुका है 7 जुलाई को, अब ये दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन साल का दूसरा फॉर्म आने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया ना, मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा साथियों, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की डेट अभी तक पता नहीं चल रही थी, कभी स्टार्टिंग में पता चला था कि फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर आएगा, फिर सेकंड वीक हुआ, लेकिन अभी फाइनली सीबीएसई बोर्ड के ऑफिस से यहां पर जानकारी मिली है कि जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो आपका 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये यहां पर डेट आप देख सकते हैं, 20 तारीख बताया गया है कि 20 को अधिसूचना जारी हो सकता है, जैसा आप लोगों ने कटिंग में देखा होगा थंबनेल में, 20 तारीख बिल्कुल कंफर्म है कि आ जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश लेट हुआ तो 25 सितंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या डेट रहने वाली है, 20 से 25 सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जिसका फॉर्म फिलअप जो डेट होने वाला है जिस दिन आया, 20 तारीख को अगर फॉर्म रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, उसी दिन से फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, यानी एग्जाम यानी फॉर्म का जो फिलअप डेट होने वाला है वो भी 20 से 25 सितंबर ही होने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि इस बार दिसंबर 2024 का फॉर्म कब आएगा, 20 से 25 सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, यानी पूरा बुकलेट आउट होता है जिसमें सारी चीजें बताई जाती है बच्चों को। उसके बाद फॉर्म फिलअप की डेट 20 से 25 सितंबर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म में जो टाइम दिया जाता है केवल 20 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत लेट में फॉर्म नहीं भरना है, केवल 20 डेज देता है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आपको 4 दिन समय दिया जाता है फॉर्म में करेक्शन के लिए, 4 डेज दिया जाता है फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज गलत हो गया है तो 4 दिन बाद में आप उसको सही कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर कि अगर फॉर्म 20 से 25 सितंबर के बीच में आता है तो परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। दोस्तों परीक्षा जो है दिसंबर में डेफिनेटली जारी होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक जुलाई में हो गया, दूसरा दिसंबर में होगा, तय है। अब कितने तारीख को भैया, 20 दिसंबर के बाद में, कितने तारीख को भाई, 20 दिसंबर के बाद में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, 2024 में ही इसकी परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि साल में दो बार पेपर होता है तो लेट लतीफी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होता है इसमें, क्योंकि दिसंबर में हो जाएगा तो नेक्स्ट फॉर्म जो है वो जुलाई 2025 के लिए जारी किया जाएगा। तो एग्जाम डेट भी कंफर्म है, 20 दिसंबर के बाद में परीक्षा कराई जाएगी, 20 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी इस बार का। बात करें पासिंग मार्क का, तो साथियों पासिंग मार्क जो होता है, देखिए दो तरीके का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो पेपर वन हो चाहे पेपर टू, 150 मार्क्स का पेपर होता है। पासिंग मार्क की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो जाती हूँ, अगर जनरल हो तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना होता है, 90 प्लस आपको लाना होगा 150 में से अगर आप जनरल हो। अगर आप अदर कैंडिडेट हो, यानी अदर का मतलब हो गया ओबीसी एससी एसटी इससे बिलोंग करते हो, तो 150 में से आपको 82 प्लस मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ये पासिंग मार्क रहने वाला है, 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे पेपर वन की बात करें चाहे पेपर टू का, सेम होता है, दोनों में ही पासिंग मार्क भी सेम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 150 मार्क्स में से 90 प्लस नंबर आपको लाने होंगे तो आप पास हो जाओगे, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगर आप अदर हो, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो 150 में से 82 प्लस लाने होंगे तो आप पास हो जाओगे। तो ये पासिंग मार्क आपको रखना है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग भैया, तो अभी तक सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग अभी तक। नोटिफिकेशन आने के बाद में क्या आता है वो तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी जो इसका प्रारूप है मैंने पूरी चीजें बता दी है। नोटिफिकेशन 20 से 25 सितंबर के बीच में, फॉर्म फिलअप 20 से 25 सितंबर के बीच में, 4 दिन समय मिलेगा फॉर्म को करेक्शन करने के लिए, एग्जाम डेट जो होगा 20 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य होगा। इसके बाद पासिंग मार्क 150 में से जनरल कैंडिडेट 90 नंबर, अदर ओबीसी एससी एसटी 82 नंबर पासिंग मार्क। नेगेटिव मार्किंग तो देर आर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये होने वाला पूरा प्रारूप इस बार दिसंबर 2024 के लिए। तो बस अब आपको डट जाना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है डेली शाम 7 बजे जो क्लास चलती है हमारे चैनल पर,
जो क्लास की टाइमिंग है साथियों वो है डेली शाम 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है। आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए इसी चैनल को नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और तैयारी के लिए मैंने बेस्ट नोट्स रिकमेंड किया है, कोई भी किताब की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले से एक दो अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप बिल्कुल रणनीति बदल कर देखो, इस बार डेफिनेटली इस नोट से आप परीक्षा को क्रैक करोगे और क्रैक नहीं अच्छे खासे नंबर से क्रैक करोगे, ये भी दावा करता हूं भैया। 120 प्लस मार्क्स मैं कहता हूं, कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लिया इस नोट्स को तो पासिंग मार्क छोड़ो 120 प्लस मार्क्स वो लेकर आएगा, ये दावे के साथ कहता हूं। तो इस नोट्स को परचेज करें इस नंबर पे मैसेज करके, पूरी जानकारी मैंने दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने।